अंदर भी दिखाई दे रहा है। इधर आओ, हेलो हेलो चेक हेलो और डबल बक्सी डबल
હલો, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આજ કા દિન ઓર હમારે કો કે ભોપાલ કા એક 12th મેન પ્લીઝ, કે ભોપાલ કા એક પ્લીઝ આપ આ જઈએ. કમાન કમાન, મેચ કી શરૂઆત કરતે હૈં, આઈએ જલ્દી આઈએ. હલો, તો ચલીએ આજ કે દિન કા તો આજ કી શામ કા યે પહેલા મુકાબલા કે વિપુલ ઓર વર્સેસ કુંભ સ્ટ્રાઇકર્સ. કે વિપુલ ને ટોસ જીતા હો, પહેલે ગેંદબાજી કા નિર્ણય લિયા હૈ. ગેંદબાજી કમાન પે ભાવેશ કો પહેલા ઓવર કે લિયે બુલાયા ગયા હૈ. धवल जो है वो स्ट्राइक पर हैं और विपुल जो है वो नॉन स्ट्राइक पर हैं और मैच की शुरुआत होने जा रही है छोटे रनऑफ के साथ. भावेश राइट आर्म राउंड करते हुए इस बार इस गेंद को खेला है. इसको लेग की दिशा में खिलाड़ी वहाँ मौजूद बाउंड्री लाइन पर एक रन तेजी के साथ पूरा किया है. तो यहाँ पर अपनी खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला है. एक रन से शुरुआत करते हुए 10 ओवर का मुकाबला. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ. और धवल के बल्ले से निकलता हो, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन देखना होगा कि एन वक्त में अपने इरादों को बदल लिया, अपनी क्रीज को कवर किया और लौट आए वापस अपने और इस बार इस गेंद को फिर से स्कोर लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को. तो इस तरह से पहला ओवर है अपने इरादे, अपनी गति और अपनी उमंगों को जाहिर करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सलामी की जोड़ी. तो फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ. बारह से चौदह कदमों का रनऑफ है. राइट आर्म गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज भावेश और इस बार भावेश की इस गेंद को खेला स्कोर लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद थे. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और यकीनन अपनी टीम के लिए तकरीबन दो से तीन रन बचाए हैं इस बार. शालिन वहां मौजूद थे और इस बार राउंड दा करने के लिए भावेश और इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा है. गेंद थोड़ी सी इर्द-गिर्द घूमती हुई लेकिन एक रन तो मिलेगा ही निश्चित तौर पर. तो सिंगल की जो उनकी नीति है उसको बरकरार रखते हुए गुलों में रंग भरे बादाई बाहर चले और चले भी आओ कि क्रिकेट का कारोबार चले. और गेंद हवा में थी लेकिन खिलाड़ी काफी दूर, सेफ लैंडिंग में गिरती हुई गेंद. इसी बीच ओहो, यहां गेंदबाज के हाथों में अगर गेंद आती डायरेक्ट तो कुछ नजदीकी मामले हो सकते थे. ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बगैर किसी नुकसान के साथ. और अब देखना होगा कि किस गेंदबाज के कांधों पर रखते हैं गेंदबाजी का जुम्मा. तीन खिलाड़ी आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए शायद यस. एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन.
और 10 ओवर के लिए जो 40 मिनट का वक्त आपको दिया गया है उसके अंदर ही गेंदबाजी को ख़त्म करना होगा। इस बात का दोनों ही टीमों के कैप्टन खिलाड़ी याद रखें, ध्यान में रखें, और भूलने का अगर शक हो तो लिख के जेब में रखें। और ये गेंदबाज हैं शालिन शाह 8 से 10 कदमों का रन ऑफ, गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। शालिन शाह की ये गेंद और फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था गेंद के, इसको लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद थे। एक रन तेज तर्रार कदमों से पूरा करते हुए इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ के पहुंचता है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। केबी फुल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है उन्होंने। अगली गेंद करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द, और इस बार इसे लपेटा है इसको लेग और मिड विकेट के दरमियान के एरिया में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। एक रन तेजी के साथ पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर रफ्ता रफ्ता बढ़ते हुए 8 रन बगैर किसी नुकसान के। शालिन शाह इस ओवर में अगली मरतबा, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से और सिक्स के, और टीम के जो ऑनर थे वो हो उन्होंने अपने तेवर दिखाए यहाँ पर और इसे खेला मैक्सिमम के लिए, और आज स्वयं खुद ही गए ओपनिंग में खेलने के लिए कि आज हम अपना जोर आजमाएंगे। और इस बार फिर से रिपीट करना चाहते उसी शॉट पे, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिलेगा। फोर ओ सिक्स के स्पॉन्सर वाय चंतन जेम्स, और इस बार फुल टॉस गेंद थी, इसे उठा के खेला है, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर में खड़े हुए थे। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में लगती हुई, खालसा कॉलेज के बैक साइड का ये ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड। और ये देखिए फ्लैट लाइट दूसरी रोशनी अभी से इनको चालू किया है ताकि आने वाले वक्त में इनका जो लाभ है, इनका जो बेनिफिट है वो हमें मिलेगा जब ये रोशनी एकदम पूरी तरह रोशन हो जाएगी। इसी बीच ये गेंद, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है वो है 2 आंकड़ों में 17 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 10 ओवर का मुकाबला है, काफी शाम का वक्त है, परछाइयां लंबी होती हुई, हमारे स्कोरर अपने कलम की दास्तान लिख के हमें बता रहे हैं कि रन संख्या जो है वो अब तक 17 रन हो चुकी है। स्कोरर सिद्धेश, और इस बार 3रे ओवर की गेंदबाजी के लिए भावेश बदानी, और देखेंगे यस चिंतन 6-4 के स्पॉन्सर वाई, और ये लगा मैक्सिमम रन संख्या दौड़ती हुई 23। भावेश की पहली गेंद को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर उस पर प्रहार किया तो नतीजा 6 रन। इसी बीच राइट आर्म ओवर द करते हुए इस बार डीप लॉन्ग की दिशा में खेला है, जब तक कि डीप लॉन्ग बाउंड्री से खिलाड़ी आके गेंद को उठाएं थ्रो करें। इसी बीच में रन संख्या जो है 24 रन बन चुके हैं। इस बार अच्छा चेंज ऑफ पेस किया था भावेश ने, इस बार राउंडा करने की कोशिश जाहिर करते हुए भावेश।
और इस बार देखना होगा डीप स्कोर लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन इसी बीच एक रन पूरा होता हुआ और ये अच्छी नीति है बल्लेबाजों की, जहां एक बड़ा शॉट आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा आराम से खेलते हैं, संयम से बल्लेबाजी करते हैं। वापिस इस बार राइट आर्म ओवर द करते हुए इस बार पेट और पेट में टकराती हुई गेंद, लेकिन एक रन तो देके ही जाएगी निश्चित तौर पर। यस, लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, और रन तो रन ही होते हैं किसी भी सूरत में आए। तीसरा ओवर चल रहा है, भावेश गेंदबाजी कमान पर है और इस बार इसे उठा दिया है डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी पीछे भाग रहा, देखें और इससे सिक्सर की मदद से स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 32। तीसरा ओवर प्रगति पर है, भावेश है गेंदबाज इस ओवर में, रन संख्या 32 और इस बार पटकी हुई गेंद उछाल के साथ साथ विकेट कीपर के हाथों में गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए शामिल विधान को बुलाया गया है, विधानी शामिल, देखिए छरेरा सा बदन है, लंबा सा कद है और अगर गेंदबाजी की बात करें तो 12 से 14 कदमों का रन अप है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो है 32 रन। और इस बार देखना होगा गेंद जा रही है स्कोर लेग की दिशा में, एक रन मिलेगा डीप स्कोर लेग से, जब तक के खिलाड़ी आके उसे उठाएं थ्रो करें, इसी बीच में एक रन का और इजाफा होता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ के पहुंचता है 33 रन, 33 रन बन चुके हैं। तो चलिए मैच की शुरुआत कीजिए, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ये घूम के खेलना चाह रहे थे, गेंद को समझ नहीं पाए। और गेंद निकल गई, और इस बार फॉलर थ्रो में शॉट के अंदर हाथ डाले जरूर थे गेंदबाज ने, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज को सोचना पड़ा और अपनी क्रीज में वापस लौट गए। सौमिल गेंदबाजी कमान पर हैं इस वक्त में और ये भी अपना हुनर दिखाएंगे गेंदबाजी के रूप में, और इस बार देखिए जोरदार अपील, लेकिन उस अपील को नाकार दिया हमारे एम्पायर ने। गेंद निकलती हुई डॉट की शक्ल में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। चौथा ओवर प्रगति पर है, शामिल हैं गेंदबाज और इस बार देखना होगा इसको लेग की तरफ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के लिए और एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता है यहां पर 38 रन, 38 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कमान पे हैं सौमिल
और सोमिल के सामने खड़े इस वक्त में रुतुल, और इस बार वाइड बॉल का इशारा। ऑफ स्टंप से काफी काफी बाहर निकलती हुई गेंद, एम्पायर ने अपने हाथों फहराया, वाइड का इशारा किया। एक रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर में, स्कोर बढ़ता है 39। और इस बार आड़े बल्ले से खेला है, मिस फील्ड होती हुई गेंद निकल गई, इसको लेग बाउंड्री से बाहर, एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के, रन संख्या बढ़ती हुई 43। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43। और इस बार देखेंगे, इस बार गेंदबाजी के लिए जैनिल, जैनित 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए जैनित को याद किया है। देखते हैं कि कितना रन ऑफ लेके गेंदबाजी करेंगे। हालांकि हमने कल इनकी गेंदबाजी देखी थी और कल में और आज में काफ़ी फर्क होता है, गुजरा हुआ कल और आने वाला आज, दोनों ही के बीच में एक बहुत ही बड़ी दरमियानी फासला। जैनित 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर, और इस बार इसे घुमा के खेला है, गेंद गई स्कोर लेग और मिड विकेट के दरमियान। तो इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 45। और इस बार एक रन तेजी के साथ पूरा किया, और ये देखिए, ओहो, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, और बैठे रहने से तो अच्छा था कि चलते रहते। तो बल्लेबाज ने चल के दिखाया तो रन भी पूरा हुआ। बाल बाल बचे, वरना नजदीकी मामला हो सकता था। रन संख्या बढ़ती हुई 47। जैनित इस ओवर में अगली मर्तबा हमसे दूर जाते हुए राइट टर्म राउंड, और इस बार उठा के खेला है गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, ओहो, और ये कैच गिरा दिया। हालांकि अपने सामने 4 कदम भागकर आए जरूर थे, लेकिन एन वक्त में गेंद के ऊपर से नजरें हटी और दुर्घटना घटी। कोशिश तो थी, नो डाउट। रन संख्या 49। और इस बार फिर से उसी दिशा में, और इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, एम्पायर के इशारे 4 रनों के, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए रन संख्या 53। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप निभाई है दोनों बल्लेबाजों ने, तालमेल के साथ बल्लेबाजी की है, और अब ये पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही है। 5वां ओवर चल रहा है, 50 रन क्रॉस कर चुके हैं, 53 स्कोर हो चुका है। जैनित फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 53 रनों पे। थोड़ी सी इसी बीच अगली गेंद, और इस बार हल्के हाथों से खेला है मिडॉन की दिशा में, डीप मिडॉन से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, इसी बीच रन हुआ पूरा। तो एक रन जो था वो शॉर्ट था, क्रीज में बैट टिकाया नहीं। हाँ,
ये बहुत जरूरी होता है। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आती हुई, हाँ यस, 5 ओवर के बाद जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि मैदान के अंदर ड्रिंक्स जाएगी, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की जानिब नज़र डालते हैं, उसके बाद हमारे साथी कमेंटेटर इमरान शेख को हम माइक सौंपेंगे कुछ वक्त के लिए। 50-54 इमरान सिद्दीकी हमारे आज साथी कमेंटेटरों में शुमार है उनका। हेलो हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू DSB सीजन 2 का चौथा दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है DSB बडीज यूथ क्लब, जर्सी स्पॉन्सर है यशवी एक्सपोर्ट चेतन भाई, यूट्यूब के जो स्पॉन्सर हमें जो लाइव दिखा रहे हैं उसके जो स्पॉन्सर है वो है SM डायमंड सुनील भाई, रिधि जेम्स चिराग वारिया, तत्वा तुलिया जेवलेस मोनशा तेजस भाई, और चौके और छक्के के जो स्पॉन्सर है वो चिंतन जेम्स दैनेश भाई, ऑक्शन स्पॉन्सर है डी देवल कुमार डायमंड्स राजेश भाई, एस अभिषेक डायमंड्स शशिकांत भाई, ट्रॉफी के जो स्पॉन्सर है वो है युग जेम्स जिम्मी भाई, बैट एंड बॉल के स्पॉन्सर है गीतर्थ क्रिएशन चिराग भाई, कैप के जो स्पॉन्सर है वो कुंभ जेम्स धवल भाई, मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है एस अभिषेक डायमंड शशिकांत भाई, फूड के जो स्पॉन्सर है जो हमें अच्छे अच्छे पकवान हमें प्रोवाइड करें वो DSB बडीज यूथ क्लब के जानिब से है, डगआउट के जो स्पॉन्सर है वो वॉरियर एम्पेस भाविन मित्तेर एंड यश विश्वास डायमंड आलोक केदानी जी के सौजन्य से है, पावर प्ले स्पॉन्सर है स्पार्कलेट डायमंड्स मित्तल भाई, एनर्जी ड्रिंक जो हमें इस ब्रेक में हमें जो पानी पिला रहे हैं जो ड्रिंक्स पिला रहे हैं उनके जो स्पॉन्सर है वो मेग डायमंड्स मिथुन भाई वारिया, वनीता जेम्स चिराग सेठ, और टॉस के बॉस है अंबानी ब्रदर्स जय एन माले। तो चलते हैं अब मुकाबले की ओर, जो पहला मुकाबला चौथे दिन का खेला जा रहा है, छठे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार हैं रीनो, देखना होगा रीनो अपने टीम को एक पहला सफलता दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब तक 54 रन बन चुके हैं 5 ओवरों में, अच्छी शुरुआत यहां पर धवल और रुतुल के पार्टनरशिप के बदौलत है यहां पहुंच चुकी है, एक मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। अब जो मुकाबला है वो फ्लैग लाइट चारों तरफ आप देख रहे हैं कि फ्लैग लाइट जल चुके हैं, बहुत ही खुशनुमा माहौल हमें क्रिकेट अगर जब भी हम देखते हैं, अगर जब फ्लैग लाइट के बीच में ये जब मुकाबला होता कोई भी क्रिकेट हो तो एक जो माहौल देखने को मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो चलते हैं, इस वक्त गेंदबाज रीनो, छठे ओवर की यह पहली गेंद होगी, 54 रन अब तक बन चुके हैं बिना किसी नुकसान पर, अब तक पहला सफलता प्राप्त करने के लिए जूझती हुई गेंदबाजी टीम इस वक्त नजर आ रही है। कुंभ स्ट्राइकर ने अच्छी ओपनिंग साझेदारी की, इसी बीच ये पहली गेंद, अच्छा शॉट यहाँ पर, हवा में गेंद, फील्डर उसके पीछे, और यहाँ पर बेहतरीन कैच, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच, जब आपके साथी खिलाड़ी से ज्यादा आपके अपोजिशन पार्टी के जो खिलाड़ी अगर आपका हौसला बढ़ाए तो निश्चित ही आपने कुछ ऐसा कार्य किया है। कैच विन मैच विन, यहाँ पर जो किस जिस साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता थी वो तोड़ते हुए जो कैच पकड़ा उनका नाम क्या है, हर्ष, हर्ष की जितनी तारीफ किया जाए, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए हर्ष के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा काम, अच्छा कार्य किया है, निश्चित ही गेंद अच्छी थी लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कार्य किया है हर्ष ने अपने फील्डिंग से, बाउंड्री लाइन के पास जो बेहतरीन कैच डाइव करके जंप मारा, उन्होंने लॉन्ग जंप किया और बेहतरीन कैच करके अपने टीम को एक सफलता दिलाने में अहम योगदान दिलाया है, और इस वक्त रन संख्या जा पहुंची है 54 रन एक विकेट के नुकसान पर।
इनो की ये पहली ही गेंद थी और पहले ही गेंद पर सफलता प्राप्त हुआ, जिसलिए कप्तान ने रिनो को ये गेंद सौंपाई थी उसे बखूबी खरा उतरते हुए। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए फील्डर की जिन्होंने बाउंड्री लाइन के पास कैच पकड़ा, हर्ष वो काबिले तारीफ है। निश्चित ही जब वो कैच पकड़े तो उनके अपोजिट टीम के खिलाड़ी जो डगआउट में बैठे थे उन्होंने भी तालियों से उनका एप्रिसिएट किया, उनका हौसला बढ़ाया कि ये काबिले तारीफ कैच था। निश्चित ही आसान नहीं होता है कैच पकड़ना, उसे आसान बनाते हुए चलते हैं अगली गेंद के ओर। रिनो, रिनो की ये दूसरी गेंद और टीम की छठे ओवर की ये दूसरी गेंद। अच्छा शॉट ऑन साइड की जानिब, एक रन बड़े ही आसानी के साथ मिलता हुआ। नए बल्लेबाज जो आए हैं अब विराज दोषी, एक रन से अपना खाता खोलते हुए। रुतुल 16 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, 55 रन अब रन संख्या जा पहुंची है एक विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज रुतुल बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर मौजूद। इस वक्त उनके कंधों पर जरूर टीम की जिम्मेदारी होगी, बड़ा प्रहार जरूर करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम हुए और यहां पर एक रन बड़े ही आसानी के साथ चुरा लिए। विकेट के ऊपर जरूर थोड़े से गिरे जरूर, निश्चित ही आशा करूंगा लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर का कि वो गंभीर चोट ना लगे, मैं आशा करता हूं, दुआ करता हूं। फिर एक बार अपना कार्यभार संभालने के लिए विकेट के पीछे जाते हुए विराज अब स्ट्राइक पर होंगे, दूसरा गेंद खेलने के लिए तैयार। और ये कहल चदमी किए बढ़कर बड़ा प्रहार जरूर करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए, सीधा कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। दो गेंदे अभी भी आना बाकी छठे ओवर की, अच्छी वापसी यहां पर कह सकते हैं रिनो गेंदबाज द्वारा, जो 5 ओवरों में 54 रन था, मात्र अब तक 2 रन और एक महत्वपूर्ण एकमात्र विकेट प्राप्त करने में सफल हुई। क्या ये दूसरा विकेट हो सकता था, लेकिन किंतु परंतु का कोई मोल नहीं, यहां पर चिंतन जेम्स के सम्मान में जाता हुआ एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रन। डीजे छह वापसी यहां पर गेंदबाजी रिनो द्वारा, यहां पर रनआउट का चांस हो सकता था। पिछली गेंद पर जो बाउंड्री लगा, अगर खिलाड़ी अगर पीछे होते तो निश्चित ये कैच हो सकता था। 6 ओवर के बाद रन संख्या 61, 61 रन एक विकेट के नुकसान पर। नाश्ते का लुप्त उठाते हुए हमारे कॉम बॉक्स के पीछे खिलाड़ी आनंद ले रहे हैं खेल का। जैनित आए हैं गेंदबाज, दूसरा ओवर और टीम का 7वां ओवर लेकर पहले ओवर में 1 ओवर 11 रन अब तक एकमात्र सफलता जो मिली है पिछले ओवर में। सीबीसी अगली गेंद 7 ओवर की है, पहली गेंद हवा में, गेंद जरूर थी, पीछे फील्डर है, देखना होगा गेंद दौड़ता है जीता है या फील्डर, फील्डर हारे और गेंद गया सीमा रेखा के बाहर। चिंतन जेम्स के सम्मान में 4 रन। गेंद और खिलाड़ियों के बीच में रेस लगी थी, देखना था कि रेस जीतता कौन है और बड़े ही आसानी के साथ रेस जीते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच चुकी थी जब तक फील्डर गेंद को उठाते।
पहले ही गेंद पर बाउंड्री नीचे थी, गेंदबाज थोड़े से दबाव में, अच्छा शॉट यहां पर गैप में, गेंद फील्डिंग फुटबॉल खेलना चाहते थे पूरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन एम्पायर का इशारा इधर पे आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में चार रन और जुड़ता हुआ बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर बल्ले से निकलता हुआ नीचे थी। अब बड़े ही दबाव में महसूस कर रहे होंगे गेंदबाज, अच्छा शॉट, बड़ा प्रहार कम बॉक्स के ऊपर से मैक्सिमम रन आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में, एम्पायर का इशारा 6 रन। क्या बेहतरीन शॉट, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दो बाउंड्री के बाद अब मैक्सिमम रन जोड़ते हुए अपने टीम के खाते में। यहां पर नन्हे नन्हे बालक इस मुकाबले को देखने के लिए आते हुए निश्चित ही इस क्रिकेट का जो आनंद है वो सभी वर्गों में देखा जा रहा है। ये जो हफ्ता है वो साप्ताहिक है, वो वुमेन्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 8 तारीख से, जो भी सेलिब्रेट करते हैं, जो ये पूरा वीक है समीर जी, ये पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये महिलाओं का दिवस है, महिलाओं का दिन है, महिलाओं का सप्ताह है, आनंद लीजिए सारे बच्चे महिलाएं यहां पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। अच्छा शॉट यहां पर कारपेट के सहारे ऑन साइड के जाने बैक खेल दिया, अच्छी फील्डिंग यहां पर जब तक फील्ड करते 2 रन मुकम्मल करके 2 रन और जोड़ते हुए टीम के खाते में। इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये जो ओवर का लेखा जोखा मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 2 गेंदों में पहले 2 बाउंड्री लगे, तीसरे गेंद पे 6, फिर सिंगल, फिर डबल 2 गेंदों में फिर 2-2 जोड़कर अपने टीम का रन संख्या बढ़ाते हुए। बड़ा और हवा में गेंद, अच्छा संपर्क नहीं यहां पर, लेकिन गैप में गेंद है, 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, देखना होगा गेंद दौड़ती, अच्छी फील्डिंग यहां पर, लेकिन एम्पायर का जो इशारा आया वो है 4 रन चिंतन जेम्स के सम्मान में। लगता हुआ एक और बाउंड्री इस ओवर में, 7 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 83 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 61 रन था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए इस ओवर में, एक भी डॉट डिलीवरी नहीं हुआ, राइट। हमारे साथी स्कोरर हमें सारी चीजों से लेखा जोखा, उनके हाथों से कोई गलती नहीं होने, उनकी उंगलियों से कोई गलती नहीं होती है, बड़े ही मंझे स्कोरर हैं। नए गेंदबाज आए हैं, प्लीज उनका नाम बताने का कष्ट करें। सोमिल, आई थिंक इनका ये दूसरा ओवर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर से काफी दूर, जब तक फील्ड करते तब तक बड़े ही आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 84 रन। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन यहां पर, यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद थी यहां पर रनआउट का चांस हो सकता था, तो यहां पर अगर एम्पायर का इशारा आया आउट, उंगलियां उठी और 1 विकेट का पतन होता हुआ नीचे थी। थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए गेंदबाज, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और 1 विकेट का पतन होता हुआ। रनआउट के रूप में 1 विकेट का पतन होता हुआ, खिलाड़ी 1 आउट हुए, डगआउट में 2 खिलाड़ी जाते हुए नीचे थे, उनके रनर के रूप में उनका साथ देने के लिए डगआउट में अब जाके उनको विश्राम करने की जरूरत है। इस वक्त थोड़े से तालमेल की कमी देखने को मिली। और एक गेंद, अच्छा प्रयास जरूर था यहाँ पर
लेकिन मात्र एक रन और जुटा इस टीम के खाते में। मुक्षित आए हैं अब स्ट्राइक पर पहला गेंद खेलने के लिए। पहली गेंद होगी मुक्षित स्ट्राइक पर। आते ही बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम यहां पर दिखे बल्लेबाज, सीधा कीपर के दस्तानों में और एक डॉट डिलीवरी। अच्छा शॉट, चाबुक शॉट यहां पर देखने को मिला। गैप में गेंद है, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचता है एम्पायर का इशारा आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में चार रन। नन्हे नन्हे बालक ग्राउंड में शेयर करते हुए गेंद को हाथ में लेकर जाते हुए बैट्समैन ढूंढ रहे कि कोई बैट्समैन मिल जाए तो गेंदबाजी का इधर पे प्रयोग कर सके। इसी बीच अच्छी गेंद यहां पर, अच्छा शॉट यहां पर, उससे उम्दा यहां पर फील्डिंग देखने को मिली बाउंड्री लाइन के पास। दो रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और एम्पायर का इशारा तो हुआ पावर प्ले का ये ओवर होगा। आठ ओवर 91 रन, नौवा ओवर एम्पायर का इशारा तो हुआ पावर प्ले का ये ओवर होगा। ये होगा पावर पैक ओवर। बल्लेबाजी क्रम से अगर देखना जाए तो ये बोनंजा ओवर है, इसमें मैक्सिमम तीन खिलाड़ी ही बाउंड्री लाइन के पास रहेंगे तो आपको अपने बाजुए खोलने का एक सुनहरा ओवर कह सकते हैं, सुनहरा मौका है। एस अभिषेक और सेठ सुपर किंग के दोनों ही कप्तान प्लीज इस मुकाबले के बाद टॉस के लिए आने का कष्ट करें, एक ओवर के बाद निश्चित ही। एक इनिंग के बाद दोनों ही कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आ जाए प्लीज, रेडी रहे, जब भी ये इनिंग खत्म होता है तो आप टॉस के लिए आ जाए। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिला, दो बैक टू बैक डिलीवरी। जो पावर प्ले का ओवर होता है कहा जाता है कि गेंदबाजी के लिए ये शामत है, लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगर आप अच्छे गेंदबाज हो तो निश्चित ही चाहे पावर प्ले ओवर हो या फिर फ्री हिट का गेंद हो उसे अच्छी तरीके से गेंद डालकर एक सम्मानजनक डॉट डिलीवरी करते हुए बैक टू बैक दो। हवा में गेंद, तीसरी गेंद, फील्डर, दो फील्डर उसके बीच में और यहां पर थोड़ी सी तालमेल की कमी और एम्पायर का इशारा आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में चार रन।
पावर प्ले का ये पहला बाउंड्री आता हुआ निश्चित ही दो फील्डरों के बीच में थे, ये रुक सकता था लेकिन दो फील्डरों में तालमेल की थोड़ी सी कमी देखने को मिली जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा चार रन के रूप में। सीबीसी अगली गेंद चाबुक शॉट यहां पर मारा, फील्डर पीछे है या फील्डिंग यहां पर अच्छी यहां पर देखने को मिली। निश्चित ही दो रन जरूर अपने टीम के लिए बचाए हैं, दो रन मुकम्मल किया हर्ष हर्ष जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा था। बिल्कुल अगर ऐसे फील्डर हो तो गेंदबाज जो होता है वो खुलकर गेंदबाजी कर सकता है सर, जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा था एक मुश्किल सा कैच उन्होंने एक आसान सा बनाया था, इसी बीच उन्होंने बॉडी लाइन के पास दो रन अपने टीम के लिए बचाया। और एक बार फिर से हवा में गेंद, मात्र दर्शक बने रह गए खिलाड़ी, सर के ऊपर से गया छह रनों के लिए चिंतन जेम्स के सम्मान में, एम्पायर का इशारा छह। एक सौ तीन सेंचुरी हो चुकी है टीम का इस छक्के की बदौलत, 103 रन दो विकेट के नुकसान पर। डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेंचुरी हो गया अपने टीम का, जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियों से अपने टीम का मनोबल बढ़ाइए क्योंकि सेंचुरी प्राप्त कर चुके हैं ये दो बल्लेबाज, अभी भी डटे हुए हैं। 9 ओवर के बाद रन संख्या है 104 रन दो विकेट के नुकसान पर, इस इनिंग की मात्र 6 गेंदें बची हुई है। इस बीच प्यारी प्यारी बच्ची इस मुकाबले को देखने के लिए आते हुए, बड़ा ही अच्छा लगता है जब ऐसे मुकाबले में बच्चे महिलाएं पुरुष सभी अपना वक्त इस टूर्नामेंट को इस मुकाबले को देखने के लिए आते हैं जब भी, तो एक सभी के फेस पर एक हैप्पी हैप्पी हनी हनी फेस देखने को मिलता है। पहले इनिंग की 6 गेंद बची हुई है, देखना होगा 6 गेंदों में कितने ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब होते हैं। पहली गेंद 10वें ओवर की कारपेट शॉट के सहारे खेल दिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, निश्चित ही रन आउट का चांस था, गेंदबाज के हाथ में ये टिका नहीं, जब तक गेंद को फिर से फील्ड करते आराम से इजीली दो रन मुकम्मल किया, इस दो रन के बदौलत रन संख्या पहुंची 106 रन दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदे आना बाकी 10वें ओवर की। फिर एक बार वही शॉट, वही दिशा, वही फील्डर, फिर वैसे ही थ्रो, फिर एक बार रन आउट का चांस, फिर एक बार फंबल हुए, दो रन फिर से एक बार मुकम्मल करते हुए, जैसे एक्शन रिप्ले हमें देखने को मिला, वही शॉट था, वही बल्लेबाज था, वही फील्डर थे और वही गेंदबाज के हाथों से गेंद निकलते हुए दो रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही खिलाड़ी 108 रन बन चुके हैं इस वक्त दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदे आना बाकी पहले इनिंग की। और इस बार तो बड़ा प्रहार सीधा सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में, एम्पायर का इशारा आता हुआ मैक्सिमम 6 रन। विराज का ये 8 शतक पूरा हुआ, जोरदार तालियां विराज के लिए। और एक कॉम बॉक्स से सीधा समक्ष ये गेंद को खेल दिया है, टॉस के बॉस को बैनर को लगता हुआ एम्पायर का इशारा आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में 4 रन, 118 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं विराज,
फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद, फील्डर उसके पीछे और एक आसान सा कैच लपका बाउंड्री लाइन के पास, विराज का विराट पारी यहां पर हुआ समाप्त डगआउट में जाते हुए विराट, लेकिन अपने टीम का और अपना वो काम मुकम्मल करते हुए अब जाते हुए डगआउट में विश्राम करने के लिए, और एक विकेट का पतन। ध्रुवल आए हैं बची हुई गेंद का सामना करने के लिए, मात्र एक गेंद बची है, दोनों ही टीम के कप्तान यहां पर आ जाइए टॉस का बॉस के एरिया में, दोनों ही टीम के कप्तान प्लीज, जैसे ही ये एक गेंद फेंकी जाएगी उसके बाद दोनों ही टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द यहां पर आने का कष्ट करें। छी गेंद यहां पर डॉट डिलीवरी के साथ पहला इनिंग समाप्त हुआ, 118 रन, राइट 118 रन, दस ओवर के बाद रन संख्या 118, तीन विकेट के नुकसान पर अब जीत के लिए चाहिए 119 रन। के विपुल नाइट राइडर्स की टीम को 119 रन का लक्ष्य दिया गया है 10 ओवरों में। हेलो हेलो चेक, अंबानी ब्रदर्स के सम्मान में ये टॉस होगा, दोनों ही कप्तान hello, hello? आप हेलो चेक, हेलो दोनों ही टीम के कप्तान प्लीज यहां पर आ जाइए टॉस के लिए। अगला मुकाबला उमंग, निशांग एंड उमंग के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा अगला, दोनों ही टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। हमारे टॉस का बॉस डी के अंबानी ब्रदर्स, आप दोनों हो सर, जय एन मले, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप यहां पर आए, आपने टॉस का बॉस का स्पॉन्सर किया, बहुत खुशी हुई, दोनों ही टीम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। सेठ सुपर किंग्स, आपको सर बोलना है, कॉल सर यू सेठ सुपर किंग, क्या है डीएसबी, यू ऑन द टॉस, बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट, ओके थैंक यू सर, सर एक फोटो हो जाए, दोनों हैंडशेक कर लीजिए, दोनों ही कैप्टन, दोनों ब्रदर्स के बीच में ले लो, ओके बैठा ब्लॉग, एक मिनट सर, एक मिनट, सेट सुपर किंग बाउंड्री टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर आ जाइए प्लीज, ये मुकाबले के जो पहले मैच का दूसरा इनिंग के दोनों ही जो अतिरिक्त खिलाड़ी अगर नाम बताने के लिए यहां पर आ जाएंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। Thank you.
और कुशल लिंबू पानी अगर यही अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लिंबू पानी के साथ ले लू ये तो बैठा हुआ है। अच्छा ये ले लो। हां वो ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरा इनिंग। पहले मुकाबले का चौथे दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा था। ये दूसरा इनिंग 119 एक भारी भरकम विशाल लक्ष्य दिया गया है। देखना होगा बल्लेबाजी टीम इसे प्राप्त करने में कितनी संघर्ष करती है। निश्चित ही ये कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा दोनों ही टीम के बीच में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, स्ट्राइक पर होंगे। सर बॉलर का नाम क्या है? सर बॉलर ने तरंग 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 बॉलर हैं और हर्ष जो होंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर खुशल। एम्पायर जल्द से ये मुकाबला आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए जल्दी कीजिए। मैनेजमेंट टीम से भी यहां पर इशारा करते हुए कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को आरंभ कीजिए। जल्दी से जल्द इस मुकाबले को आरंभ कीजिए। दोनों ही एम्पायर से मैं निवेदन करना चाहूंगा जल्द से जल्द आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। यहां पर नन्हे से बालक कल के फ्यूचर, कल के विराट कोहली, कल के सचिन तेंदुलकर यहां पर प्रयास करते हुए नीचे थी। ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेट्स प्ले सेकेंड इनिंग फर्स्ट मैच फोर्थ डे। पहली गेंद, अच्छा शॉट, बड़ा प्रहार, सर के ऊपर से उठा दिया, सीधा सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रन चिंतन जेम्स के सम्मान में। पहले ही गेंद पर उन्होंने दर्शा दिया कि हम मुकाबले को जीतने के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो हो 119 रन या हो 129 रन। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए जिस जानिब से चौका गया था, निश्चित हवा में गेंद, विकेट का पतन, अच्छी वापसी, पहली गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए पहला विकेट का पतन होता हुआ। हर्ष को जाना होगा डगआउट में। जिन्होंने कैच पकड़ा उनका नाम सर आदित्य ने एक बेहतरीन कैच लिया और अपने टीम को एक सफलता दिलाने में अपने गेंदबाज का साथ दिया। अभी खुशियां मना ही रहे थे पहले चौके के साथ और दूसरी गेंद पर उन्हें एक घाव देते हुए, एक गंभीर घाव, उसे उभरने के लिए उन्हें अब देखना होगा कितनी गेंदों का सामना करने के बाद ये दोनों बल्लेबाज सेट होंगे। दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, अब तक एक भी गेंदे नहीं खेली है। जो गेंदे खेली थी 2 गेंद मात्र, एक चौके की मदद बनाकर डगआउट में अब विश्राम करते हुए अब ये दोनों बल्लेबाज पर निगाह टिकी होगी। अच्छी गेंद यहां पर पूरी तरह से नाकाम हुए, बाहरी किनारा जरूर लगा लेकिन डॉट गेंद। अच्छा शॉट, कार्पेट शॉट यहां पर देखने को मिला, लॉन्ग उनके क्षेत्र में फील किए, जब तक फील करते 1 रन बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता चला 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 रन से अपना खाता खोलते हुए शालीन जो नए बल्लेबाज आए थे 2 गेंदों में 1 रन के साथ। और ये पहला गेंद पेश करते हुए अच्छी फील्डिंग यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए। ऑफ साइड के बाहर ये गेंद, एम्पायर का इशारा होता हो वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम हुए, सीधा कीपर के दस्तानों में और एक डॉट डिलीवरी। इस डॉट डिलीवरी के साथ रन संख्या 1 ओवर में मात्र 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
आज फिर भी अवेलेबल है, आज और कल ना, कल का मतलब आज है अवेलेबल। फिजियो का नाम है छह रन एक विकेट के नुकसान पर। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो अगले आने वाले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। चिंतन जेम्स लगातार चौके और छक्के मारने की जरूरत है। डॉक्टर ध्वनि द्वारा यहां पर फिजियो हमारे पास अवेलेबल है डगआउट में, आप यहां पर देख सकते हैं कॉम बॉक्स के पीछे। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है टेस्ट करना है या फिर किसी भी चीज का प्रॉब्लम है तो आज के दिन आप इस चीज का अब फायदा लुप्त और जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पर आप आके उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। दिशा हीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ एक वाइट के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। डॉक्टर ध्वनि फिजियो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कॉम बॉक्स के पीछे। किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आकर अपना चेकअप टेस्ट करा सकते हैं। इसी बीच फिर एक बार एक्शन रिप्ले देखने को मिला, वाइड के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। आज के दिन डॉक्टर अवेलेबल है, जिसे भी रिक्वायरमेंट है या जिसको भी जांच कराना है, जिसको भी कुछ पूछना है या कोई भी आपको दिक्कत है फिजियो से रिलेटेड तो आप उसका फायदा यहां पर कॉम बॉक्स के पीछे महिला डॉक्टर मौजूद है। अच्छी वापसी यहां पर डॉट डिलीवरी जरूर थी लेकिन जब तक फील्ड करते विकेट कीपर एक रन बड़े ही आसानी के साथ दौड़ लगा के कंप्लीट किया। एम्पायर का इशारा आता हुआ निश्चित ही बाय के रूप में रन जोड़ता हुआ टीम के खाते में अतिरिक्त रन। हेलो अगली गेंद, बड़ा प्रहार जरूर करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम हुए। कीपर भी इसे पकड़ने के लिए असफल हुए लेकिन कोई भी इसका प्रभाव नहीं। डॉट गेंद के साथ और एक गेंद, इसी गेंद के साथ रन संख्या अभी भी रुकी हुई है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निश्चित 119 रन का विशाल लक्ष्य दिया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। उसी को भुनाने की कोशिश करते हुए डॉट पे डॉट डिलीवरी जाता हुआ। दस रन पर अभी भी रन संख्या रुकी हुई है। अच्छी डिलीवरी थी यहां पर, बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लिया, दूसरा रन लेना चाहते लेकिन साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें रोक, एक रन के साथ रन संख्या है 2 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो 2 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो 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 तीसरे ओवर की ये पहली गेंद, फील्डर मौजूद थे, मात्र 1 रन ही मिलेगा, इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट यहां पर, गैप में गेंद, फील्डर जरूर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग यहां पर। जब तक गेंदबाज के हाथ में गेंद आती, 2 रन बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया, इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चेक
छह गेंद यहां पर, यू मिस आई हिट के तर्ज पर एक और विकेट का पतन। निश्चित ही जो बड़ा लक्ष्य दिया गया है उसका असर बल्लेबाजी क्रम में हमें देखने को मिला। दो महत्वपूर्ण विकेट गवाकर डगआउट में जाते हुए अब नए बल्लेबाज आए हैं। नए बल्लेबाज का नाम प्लीज बताने का कष्ट करें। जैनित, जैनित आए हैं, नए बल्लेबाज कप्तान है वो। निश्चित ही कप्तान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी अपने टीम को, अपनी टीम का नैया पार करने की उनके ही कंधों पर जिम्मेदारी होगी। देखना होगा कप्तानी पारी की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं साथी खिलाड़ी उस पर कैसे उतरते हैं, खरे उतरते हैं या नहीं, ये आने वाले गेंदों पे आने वाले ओवरों में हमें देखने को मिलेगा। निश्चित ही इस वक्त गेंदबाजी पड़ला जो है वो बहुत ही भारी नजर आता हुआ रक्षात्मक तरीके से इसे खेल दिया। जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ एक रन चुरा लिया, एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए कप्तान। अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक कीपर के दस्तानों में आता एक रन चुरा लिया फिर से एक बार। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है, दो महत्वपूर्ण विकेट गवा चुके हैं, लेकिन अपनी गलतियों को भूलना होगा इस वक्त बल्लेबाजी टीम को। अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। अगर इस मुकाबले में बने रहना तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है। इस वक्त तीन ओवर के बाद रन संख्या है 15 रन, दो विकेट के नुकसान पर आफ्टर थ्री ओवर 17 रन, तीन ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर। विराज आए हैं बॉलिंग का कार्यभार संभालने के लिए, कप्तान भी है। कप्तानी पारी खेले थे, अर्धशतक मारे थे, अब देखना होगा गेंदबाजी में क्या कप्तानी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी से तो अपना जोहर दिखा दिया उन्होंने, अर्धशतक मारा उनकी बदौलत ही 118 रन मारने में कामयाब हुई और 119 रन का लक्ष्य दिया। अब देखना होगा गेंदबाजी में कितने उपयोगी साबित होते हैं। निश्चित ही कप्तान के रूप में एक अहम भूमिका होती है, अगर ऑलराउंडर कप्तान हो तो निश्चित ही जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। पहले बल्लेबाजी अब गेंदबाजी, चौथे ओवर की पहली गेंद, विराज कप्तान गेंदबाजी के लिए तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। पहली गेंद चाबुक शॉट, गैप में गेंद, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक दौड़ लगा के फील्डर गेंद तक पहुंचते एम्पायर का इशारा आ चुका था, 4 रन जाता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में 4 रन। कप्तान की अगली गेंद दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का, दिशा से जरूर भटके। पहले ही गेंद पर अगर बाउंड्री लाइन के पार 4 रन चले जाए तो निश्चित ही थोड़ा सा दबाव में महसूस जरूर होंगे, लेकिन उससे उभरने में कामयाब काबिल गेंदबाज हैं विराज। निश्चित ही अच्छी वापसी करेंगे इस बार अगली गेंद इसी बीच विराज की। अच्छा शॉट यहाँ पर, फील्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर नाजुक यहाँ पर देखने को मिला, उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। बाउंड्री लाइन के पास जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया
नीचे थी, ये डॉट डिलीवरी था, फील्डर ने थोड़ा चूके, फील्डिंग मिस हुआ, बाउंड्री लाइन के पास गई और जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ दो रन दौड़ कर कंप्लीट किया। थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं कप्तान अविराज, गेंदबाजी में थोड़ा सा उन्हें तब्दीली की, अच्छी गेंद डाले लेकिन फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया, थोड़ा फील्ड में तब्दीली भी करते हुए इस वक्त, वक्त को ध्यान में रखते हुए मुकाबला स्टार्ट खत्म कीजिए प्लीज। दोनों ही एम्पायर से मैं निवेदन बार बार करना चाहूँगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप भी थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए, कंटिन्यू लेट्स प्ले कंटिन्यू प्लीज सर। चलो अच्छा शॉट यहां पर, गैप में गेंद और यहां पर चिंतन जेम्स का सम्मान में आता हुआ एम्पायर का इशारा, चार रन। थोड़ा सा मैच रुका जरूर था, रुकावट के लिए खेद है, चार दिनों की जिंदगी है, कोई भी मत रखिए किसी के दिल में मतभेद। सी बीच हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे है बाउंड्री लाइन के पास और ये कैच है, छोड़े छोड़े छोड़े, दूसरे फील्डर ने उसका साथ दिया, बहुत ही बेहतरीन यहां पर कैच और एक विकेट का पतन होता हुआ, डगआउट में जाना होगा। जिन्होंने जिनका कैच था उन्होंने कैच छोड़ा, पीछे फील्डर बैकअप के लिए रेडी थे, उन्होंने थाली में सजाया इस गेंद को और अपने हाथों से एक बेहतरीन कैच लिया और एक विकेट का पतन होता हुआ डगआउट की राह जाना होगा खिलाड़ी मोक्षित को। हेलो हेलो चेक, तो इस ओवर में मुक्षित अगली बार हमसे दूर जाते हुए और इस बार मुक्षित की ये गेंद को खेला है यहां पर मैक्सिमम के लिए, ऑफ साइड की गेंद थी लेकिन उसे लेग साइड में इतने अच्छे तरीके से खेला है चिंतन मैक्सिमम और ये निकलता हुआ सिक्सर मुक्षित छोटे रन ऑफ के साथ राइटम गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से और इस बार देखना होगा मिड विकेट के ऊपर से ये निकलता हुआ मैक्सिमम चिंतन मैक्सिमम, क्या बात है चिंतन जेम्स। और इसी के बाद मैदान के अंदर जाएगी ड्रिंक्स, पांच ओवर की हुई समाप्ति, स्कोर पर डालते हैं नजर। तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है यहां पर 46 रन है पांच ओवर की समाप्ति के बाद और अब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर हूबहू आईपीएल का नजारा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम फलक से उतर के आईपीएल को यहां पर खालसा कॉलेज के बैक साइड में जो मैदान है वहां आपने रख दिया हो। कल का आखिरी दिन है मेगा फाइनल डे संडे 12 मार्च, जीते कोई हारे कोई लेकिन प्यार व्यवहार जिंदा रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। इसके बाद का होने वाला मुकाबला शालीन अंबानी, अच्छा अच्छा हाँ यस यस अभी हो गया। ओ हरी भरी जर्सी में खिलाड़ी भी देखे कितने स्टार कैसे चमकते हुए, कितने स्टार उतर के आए हैं आज यहाँ पर। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की बात तुम आए हो कुछ देर के बाद तो ये रात भी बहुत देर के बाद आई है,
ड्रिंक ट्रॉली मैदान के अंदर और सभी खिलाड़ी इसका लाभ उठाते हुए। पांच ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं वो हैं 46। चार खिलाड़ी आउट होने के बाद तीस गेंदों में 73 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 118 रन का टारगेट है। पांच ओवर की हुई समाप्ति, ड्रिंक ट्रॉली का वक्त हुआ खत्म। अब खिलाड़ी अपनी अपनी दिशा में फील्ड करेंगे और गेंदबाजी का जुम्मा देखेंगे किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। 119 का टारगेट है, 118 रन बनाए थे और 119 का लक्ष्य दिया था और उसी लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 46 रन पे चार खिलाड़ी गंवाने के बाद पांच ओवर की समाप्ति पर। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है और वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। वक्त उसकी मिसाल देता है जो नतीजा निकाल देता है और बैटिंग पावर प्ले लिया है इस वक्त में, देखिए उसका कितना लाभ उठाएंगे गेंदबाजी कमान पे इस वक्त में आते हुए। विराज दोषी उर्फ सनी, प्यार से कहा जाता है इन्हें विराज दोषी, गेंदबाजी कमान पर। छठे ओवर की पहली गेंद लेकर 14 से 16 कदमों का रन ऑफ। हाँ यस, हाँ वो आप याद रखिए उसे, कहीं ऐसा ना हो कि याद से निकल जाए और याद जो है जब तक के याद है तो आबाद है। तो देखिए इस तरह से फील्ड को चेंज किया जा रहा है, फील्ड प्लेसमेंट देख सकते हैं हम, ऑफ साइड की फील्ड देखें, थर्ड मैन पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और एक खिलाड़ी फाइन लेग स्कोर लेग मिड विकेट और मिड ऑन, ये व्यू रचना है। फील्डिंग इस तरह से सजा के रखी है और बहुत ही बढ़िया, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47। राइट आर्म ओवर द करते हुए और इस बार बैट का मुंह खोलते हुए, लेकिन खिलाड़ी वहां पर काफी दूर मिड ऑफ के, एक रन निश्चित तौर पर मिल जाएगा और ये एक रन हुआ पूरा। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। छठा ओवर चल रहा है, यदि मैच में बने रहना है तो कुछ बड़े शॉट खेलना आवश्यक है और इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। यस, तो यहां पर जिस तरह से नो बॉल कर बैठे गेंदबाज तो वहां फ्री हिट भी मिलेगी बल्लेबाज को और देखना यह है कि इस फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं वो। यस, फ्री हिट का सामना करने के लिए तैयार। शालिन शाह के लिए फ्री हिट और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला जरूर है लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। और इस तरह का अगर फील्ड प्लेसमेंट आप गेंदबाज का साथ देता है तो बाकी फिर तो फील्डिंग साइड की जो टीम है ना थोड़ी सी प्रेशर में ले लेती है टीम बल्लेबाज की टीम को। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार और इस बार हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड और इसी बीच एक रन तेजी के साथ दौड़ा और पलट गए हैं दो रनों के लिए और दो रन बाखूबी पूरे किए हैं, ये दो रन मुकम्मल हुए और स्कोर की बात करें और इसी दो रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए 52 रन हो गए लेकिन 50 रन पार कर गई टीम और जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 119 रनों का है। छठा ओवर चल रहा है यहाँ पर, तो इस बार देखेंगे इस गेंद में क्या है गेंदबाज के पास और इस बार देखें गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, ओहो ये मिला जीवन दान बल्लेबाज को। नसीब साथ जो होता तो डर नहीं होता और नसीब जैसा कोई हम सफर नहीं होता,
हमारे हिस्से की हमको भी धूप मिल जाती, मकान पड़ोसी का ऊंचा अगर नहीं होता। तो ये है नसीब की बात, भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। एकदम इजी आसान सा कैच था, लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटक के जमीन पर गिरी। अब देखें इस बार, और इस बार कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के जाने गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, दो खिलाड़ी पीछे भाग रहे, लेकिन दर्शक बन के देखते रहे एम्पायर के इशारे। चार रनों के चिंतन फोर्स गेम्स के जानिब से ये चार और छः के जो स्पॉन्सर आए हैं चिंतन गेम्स, और चार रन की मदद से स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ। तो ये चौका लगने के बाद देखना होगा कि अब इनके पास तरकश के तीरों में से कौन से तीर हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे वो। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए छोटे रनऑफ के साथ राइट आर्म ओवर द करते हुए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में और एम्पायर के इशारे हुए चार रनों के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा लक्की रन मिलते हुए ये बल्लेबाज के खाते में जाएंगे। मुक्षित देखें छोटे रनऑफ के साथ क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुक्षित की गेंद को उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद हवाओं का सफर करती हुई छह रनों के लिए पालकी में बैठ के हुई सवार और ये सीमा रेखा से हुई बाहर। चिंतन जेम्स निकलता हुआ मैक्सिमम। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, टाइमिंग अच्छी, फुटबॉल अच्छा, नजर गेंद पर रखी उसे लॉक कर दिया था छह रनों के लिए। और इस बार उन्होंने अपना निशाना बनाया था मिड विकेट को। मुक्षित फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। चलिए जल्द से जल्द मैच की शुरुआत कीजिए। अगली गेंद और इस बार फॉलर थ्रो में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, थोड़ी सी गति परिवर्तन जरूर किया था गेंदबाजी में, स्लो गति की गेंद थी। और इस बार पॉइंट और के ऊपर से और दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई और ये दो रन हुए मुकम्मल। अच्छी रनिंग विपिन, विकेट इस तरह की होनी चाहिए, ऐसे भागो विकेटों के बीच में जैसे कि जंगल में हिरन भाग रहा हो, तो उससे आपका स्कोर भी भागने लगता है। और इस बार वाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली हुई गेंद निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी। स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन, 70 रन बन चुके हैं, 119 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस बार ये देखिए, ओ बहुत ही करारा प्रहार किया और दर्शक बन के दो खिलाड़ी देखते रहे, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। ये चिंतन जेम्स चौका और 45 रन के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। देखिए इरादे देखिए उनके, 19 गेंदों में 45 रन चाहिए, अच्छा 19 बॉल में 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो वहां तो इसी तरीके के शॉट खेले जाएंगे फिर। और इस बार देखिए मिड विकेट की दिशा चुन लिया चार रनों के लिए और ये निकलता हुआ चिंतन जेम्स फोर। ओवर की हुई समाप्ति, सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पे एक बार नजर डाल देते हैं, टोटल स्कोर कहां पहुंच गया 78। अब गेंदें बची हैं 18। अठारह गेंदें बची, यानी कि तीन ओवर का खेल अभी बाकी है और रन जो बनाने हैं वो हैं 41 रन।
बहुत ही कांटे की टक्कर होती हुई मुकाबला दोनों तरफ एक एक पलवे की तरह बराबर सा है। अब देखेंगे इस ओवर में क्या करते हैं बल्लेबाज। आठवें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और इस बार एम्पायर जरा खिलाड़ियों को वार्न करो, अफरा तफरी बहुत हो रही है। बख्शीश राइकर के कैप्टन प्लीज आपसे निवेदन है थोड़ा सा फास्ट करें, इसके बाद और भी दो मैच कराने हैं इसी विकेट के ऊपर। विराज दोषी जो कि कैप्टन है टीम के, आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आठवें ओवर की पहली गेंद लेकर। 18 गेंदों में 41 रन की जरूरत है, दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। यहां पर दो बड़े विकेट या दो बड़े शॉर्ट मैच की दशा और दिशा दोनों ही तय कर देंगे। और इस बार देखेंगे खिलाड़ी मौजूद लेकिन वन बॉल्स के बाद बढ़िया फील्डिंग, वहां पर एक ही रन मिलेगा। अब 17 गेंदे और 40 रन, 17 बॉल और 40 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। काफी बड़ा मुकाबला और इस बार हल्के हाथों से खेला उसे पॉइंट की दिशा में, लेकिन एक रन तो मिल ही जाएगा वहां पर चहलकर्मी करते हुए। 16 गेंदे 39 रन चाहिए, रन नहीं है ओके। इस बार ऑन द राइज खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, और जब तक के उस गेंद को उठा के थ्रो किया जाए इसी बीच दो रन पूरे होते हुए। बहुत ही बढ़िया रनिंग विपिन द विकेट, 22 का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। और गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार पर, 8 से 10 कदमों का रन ऑफ। और इस बार देखें मिड विकेट के ऊपर से चिंतन जेम्स निकलता हुआ मैक्सिमम, क्या बात है क्या बात है, हा हा हा। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? अमायरा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? आपके पापा खेल रहे हैं, क्या बोले आपने? के अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए एक नन्नी नन्नी सी बच्ची आई है इस ग्राउंड पर अपने पापा उनके टीम को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट डू यू समीर? और यहां पर देखना होगा एक रन तो निश्चित तौर पर मिलेगा ही, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था उस बार मिड विकेट के ऊपर से, टारगेट बना लिया है गेंदबाज विराज दोषी को। इस ओवर में काफी रन खर्च किए और ये बार देखना होगा वाइट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, काफी काफी बाहर निकलती हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। रन संख्या बढ़ती हुई यहां पर, अब 13 गेंदे और 30 रन बचे हैं। और इस बार कार्पेट के सहारे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया थ्रो किया, एक रन मिलेगा। अब गेंदे बची हैं 12 और रन चाहिए 29, 12 बॉल 29 रन, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट जिसे कहते हैं नगर और ही कुछ है, इस घाट के पानी का असर और ही कुछ है। 12 गेंदे और 29 रन और इसके बाद और दो मैच हमें यहां पर कराने हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैच फास्ट करें। 12 गेंदे और 29 रन, गेंदबाजी कमान पर है इस वक्त में। संबित, संबित को बुलाया गया है 90 ओवर की गेंदबाजी के लिए। संबित राइट आर्म ओवर द करते हुए, लेफ्ट हैंड ओवर राउंड द करते हुए, इस बार गेंद इसको लेग के ऊपर से खेला है और खिलाड़ी वहां नीचे खड़े हुए थे और विकेट का हुआ पतन यहां पर। अब गेंदे बची हैं 11 और रन चाहिए 29, अभी अभी खिलाड़ी आउट होकर लौट रहे हैं।
शालिन, और शालिन की जगह लेने के लिए अब जा रहे हैं खेलने के लिए सौमिल। 11 गेंदे और 29 रन। सौमिल 11 गेंदे 29 रन, बिल्कुल बहुत ही बड़ा मुकाबला है, देखें इसमें क्या होता है। सौमिल टू सौमिल, दोनों ही एक दूसरे के नाम राशि और आमने सामने। और इस बार नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, यस, और फ्री हिट भी मिलेगी। ओहो, और देखना होगा इस बार क्या करते हैं, फ्री हिट है अभी इस वक्त में। ओहो, और ये लगा इसको लेग के ऊपर से चिंतन जैम से सिक्सर, और फ्री हिट का पूरा पूरा फायदा उठाया है सौमिल ने। सौमिल फिर से तैयार होते हुए, और इस बार देखिए बैकफुट पे जाके कट करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर 22 का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, रन मिलेगा एक। नौ गेंदे और 21 रन, नौ गेंदे और 21 रन, कुछ भी हो सकता है। नौ गेंदे और 21 रन, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ, मिड विकेट के खिलाड़ी को उठाकर थोड़ा सा मिड ऑफ की तरफ लाए हैं, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी जिसे कह सकते हैं। ओ, बहुत ही बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन होता हुआ, सौमिल टू सौमिल, एक गेंदबाज और दूसरा बल्ला, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा। देखना होगा कि इस गेंद में क्या है इनके पास। ओहो, ये देखिए, ये सब्र का बांध टूटा और ये लगा यहां पर चिंतन जेम्स मैक्सिमम, क्या बात है। और शालिन के 50 रन भी पूरे हुए, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए, क्या बैटिंग की है, क्या बात है। ओहो हो, अब 6 गेंदें बची हैं और रन चाहिए, कमान फास्ट गाइस, कमान फास्ट, 6 गेंदों में 15 रन, हमने देखा था अभी कल के दिन ये मुकाबला। स्ट्राइकर्स प्लीज जल्दी स्टार्ट करें, 6 गेंदे 15 रन, दोनों टीमों के खेमे में जो है हर्षोल्लास का माहौल जरूर है, लेकिन अभी 6 गेंदे में जब तक के 15 रन, छह गेंदे और 15 रन, कुछ भी हो सकता है। और गेंदबाजी का जुम्मा लेकर आए हैं इस वक्त में बॉलर ने, ध्रुवल, 6 गेंदे और 15 रन, आखिरी ओवर, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही बड़ा मुकाबला, सारी निगाहें और आंखें मैदान के बीचों बीच गड़ी हैं इस वक्त में, फ्लैट लाइट दूध या रोशनी। ध्रुवल 6 गेंदे 15 रन, खामोशी का थोड़ा सा आलम है। चलिए शुरुआत कीजिए मैच की,
छह गेंदे और 15 रन। हाँ, क्या फील्ड सजा के रखी है। चलिए स्टार्ट कीजिए मैच, वो तो जो नसीब में लिखा है वो तो होना है। उठ के महफिल से मत चले जाना, दिल तुम्हारे लिए खिलौना है। तो छह गेंद में 15 रन चाहिए। तो इस बार खिलाड़ी नीचे हैं लेकिन गेंद से काफी दूर। तो एक रन लिया है और अब यहां पर अब गेंदें बची हैं 5 और रन चाहिए 14। 5 गेंदें और 14 रन, 5 बॉल और 14 रन, एक विकेट या दो बड़े शॉट, बस यही इसकी व्यूह रचना है। 5 गेंदें और 14 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। और ये वाइड बॉल कर बैठे इस मोमेंटम में। अब 5 गेंदें और 13 रन, और ये देखिए आप तो दिशा और दशा पलटती हुई, ये लगा चिंतन जेम्स मैक्सिमम, क्या बात है। ओ हो, ये देखिए आहा, क्या कैमरा वर्क है, एकदम आईने की तरह क्लियर और साफ दिखाया है कि गेंद गई है मैक्सिमम के लिए सीमा रेखा से बाहर। और इस बार सिंगल तेजी के साथ, ओ हो, जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन। और अपनी मंजिल से कितनी दूरी पर हम जानना चाहेंगे, कितने चाहिए, 3 बॉलों में 5 रन, 3 बॉल यानी 5 रन। भाई ओ ये देखिए, हाँ ये तो सारे कारनामे, और वो गेंद भी निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, तो वहां पर तो मैच ही खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट मैच की ओर बढ़ते हैं, आप लोग जरा बाहर आके सेलिब्रेशन कीजिए प्लीज, आप लोग बाहर आ जाइए ताकि हम दूसरा मैच कराएं। तो अगले फ्रेश मैच की ओर बढ़ेंगे हम बहुत जल्द। आपका जो सेलिब्रेशन है वो प्लीज़ जरा ग्राउंड के बाहर आके कीजिए, लेकिन मैच जैसा भी हुआ जो भी हुआ लेकिन बहुत मज़ा आया। बिल्कुल समीर जी, जिस रोमांचक भरे मुकाबले की लोग आस लगा रहे थे वैसा ही मुकाबला देखने को मिला। स्टार्ट के जो 2-3 ओवर थे उस वक्त लग रहा था कि बल्लेबाजी टीम इस मुकाबले से बहुत ही दूर है, पिछड़ते हुए बहुत ही बाहर नजर आ रही थी, लेकिन क्या वापसी करते हुए 3 गेंदे शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीत दर्ज किए। निश्चित ही बड़ा ही जिस जो ये जो जीत है उसका जश्न मनाते हुए जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी है ग्राउंड के बाहर हो जाइए, जल्द से जल्द दूसरा मुकाबला स्टार्ट कीजिए, आरंभ कीजिए जल्द से जल्द। चलिए सर अपने फील्ड सजाइए मैदान के अंदर, एमसीए पैनल के हमारे एम्पायर आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि सलामी की जोड़ी जल्द से जल्द मैदान के अंदर दाखिल हो और वो अपनी पारी की शुरुआत करें।